रास्ता पार कर दो भाई, मुझे कोई उस तरफ ले चलो। भाई मुझे उधर जाना है, कोई ले चलो ना, मुझे रास्ता पार करा दो ना भाई। अंधा है क्या, मर जाता तो? हाँ भाई अंधा ही तो हूं, कुछ भी देख नहीं सकता। कितनी देर से पुकार रहा था लेकिन किसी ने रास्ता नहीं पार कराया। कहाँ जाना है तुम्हें? उधर एक चने वाले की दुकान है, वहां। इतनी सुंदर आंखें किसी काम की नहीं, चलो मेरे साथ। आओ ये क्या है? मेरे पांव। पांव? हाँ, इन्हीं के सहारे तो मैं चलता हूँ। जैसे तुम नयनहीन, वैसे मैं चरणहीन। तुम्हारा नाम क्या है? मोहन। मोहन? तुम्हारा? रामनाथ। रामू। रामू? अच्छा, तुम रहते कहाँ हो? कोई ठिकाना नहीं, जहां जगह मिल जाए। तुम कहाँ रहते हो? फिलहाल तो मैं भी सरकारी फुटपाथ का मेहमान हूँ। ओह, तो तुम भी मेरी तरह हो। तुम्हारा और कोई नहीं? नहीं, मैं भी अकेला हूँ। अच्छा मिला है भगवान ने, साथ रहेगा। लो, दुकान आ गई। भैया। हाँ भाई। चार आने का चना कुरमुरा देना। अच्छा ले, चलो आओ। कल कटियन के पार जो करेंगे तो बरेंगे, तुम क्यों गयो दास। तुमने खाया? लो खाओ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। देखो एक बार जब मेरा हाथ थामाए तो अब मुझे पराए मत समझो। तुम भूखे रहो और मैं खाऊं, ये नहीं हो सकता भाई। और आज तुमने मेरी जान बचाई, तुम मेरे दोस्त हो ना। हाँ लो खाओ। तुम्हारे पैर को क्या हुआ था? एक्सीडेंट, मोटर से कुछ हो गया था। आज ही अस्पताल से छुट्टी मिली है। अस्पताल? तुम अस्पताल में थे? हाँ, क्यों? वहां कोई नर्स है मीना नाम की, बहुत सुंदर है, गोरी गोरी लंबी सी। वहां तो सभी को सिस्टर कहते हैं, नाम तो किसी का। क्यों, कौन है वो? मेरी दीदी। दीदी? हाँ, उसी को तो ढूंढ रहा हूं। अच्छा, कौन सी अस्पताल में है तुम्हारी दीदी? कौन से, ये तो नहीं मालूम। तो फिर कैसे ढूंढोगे, यहां तो बहुत से अस्पताल हैं। जैसे भी हो, पता तो मुझे लगाना ही होगा। अच्छा, मैं हर एक अस्पताल के सामने जाकर खड़ा रहूंगा, मैं भले ही ना देख पाऊं, दीदी तो मुझे देख ही लेगी। सच, कितनी सुंदर आंखें हैं तुम्हारी। जोत बिना ये सुंदरता किस काम की, मेरे लिए तो सब अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक समय था जब सभी कुछ दिखाई देता था, सभी कुछ था अपना। गांव में नदी के किनारे घर था, कितने सुख भरे दिन थे। अचानक एक दिन अंधेरा छा गया, मेरी आंखों की रोशनी चली गई। दीदी दीदी दीदी,
मेरी आंखें कभी ठीक नहीं होंगी क्या? बोलो ना दीदी, बोलो ना। गोपाल डॉक्टर ने कहा इलाज तो हो सकता है, पर शहर ले जाकर किसी आंख के बड़े डॉक्टर को दिखलाना पड़ेगा। अंदर दीदी, तो क्या मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगा? नहीं तो घबराता क्यों है? मैं आज ही शहर जाती हूँ। पहले मैं वहाँ जाकर अस्पताल में नर्स का काम सीखूंगी, फिर वहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर से तेरी आंखों का इलाज कराऊंगी। तू फिर से देखने लगेगा मोहन, जरूर देखने लगेगा। तू शहर चले जाओगी? हाँ, जाना ही होगा। तब तक मैं इसकी देखभाल करूँगा। और दीदी उसी दिन शहर चली गई। कुछ दिनों बाद उसकी चिट्ठी आई कि वो नर्स बन गई है, लेकिन तभी एक रात लल्ली के ससुराल से खबर आई है उसकी तबीयत खराब है, मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूँ। तू सो जा बेटा, मैं कल सवेरे आ जाऊंगा। तमाम बेघर वार लोगों के साथ मैं भी शहर आ पहुंचा, और तब से मैं दीदी की तलाश में भटकता फिर रहा हूं। तुम रो रहे हो, आंखों पे रोशनी नहीं है, लेकिन पानी तो है। एक न एक दिन तुम्हारी दीदी जरूर मिल जाएंगी। चलो सो जाओ। आ गया। हाँ। आके खोलो। खोल खोल। ला मेरा हिस्सा। चारा में नहीं, आटा में। दिन भर साथ में घुमाया। अरे जा जा। जा जा। शोर मत कर, दूंगा आटा ना दे दे। भाग ले 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 ले। भाग 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 भाग। जल्दी भाग। चलो सो जाओ। तुम दिन में क्या करते हो? भीख मांगता हूँ। भीख? हाँ। छी छी छी। और चारा ही क्या है? भीख ना मांगू तो कौन खिलाएगा मुझे? तुम ही बताओ, दिन भर भूखे रहे, किसी ने ख्याल किया तुम्हारा? दुनिया के लिए मंदे अपाहिज किस काम की? मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं। कभी नहीं? तब तो तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा भाई। चाहे मर जाऊं, किसी का आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। पहले पहले मैं भी कई दिन तक भूखा रहा, लेकिन रह न सका। आखिर हाथ फैलाना ही पड़ा। उस दिन लगा जीना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। कौन बजा रहा है ये? मैं। तुम? बड़ा अच्छा बजाते हो। बजाओ बजाओ ना। बंद क्यों कर दिया? लोग भीख दे रहे हैं। भीख? ये भीख नहीं है भाई, तुमने तो किसी से मांगा नहीं था। तो फिर क्यों दे रहे हैं? आनंद से। आनंद से? हाँ, तुम्हारे बाजे ने उनका दिल बहलाया, उन्हें खुश किया, इसलिए तुम्हारी कला का वो मान कर रहे हैं। ये भीख नहीं है भाई। ने?
कौन है रामू? परिदेश की राजकुमारी। परिदेश की राजकुमारी? हाँ, वो कहानी सुनी है तुमने? परियों की एक राजकुमारी थी, जो हंसती थी तो फूल झड़ते थे और रोती थी तो मोती गिरते थे। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही सुंदर है। बहुत बड़ी हवेली है। अच्छा, फाटक पे बंदूकाना संतरी खड़ा है। अब थोड़ा और नहीं बजाओगे? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बजाओ ना। अच्छा, बजाता हूँ। नहीं, तुमसे हम कुछ नहीं ले सकते। लेकिन सबसे तो लिया। पर तुमसे नहीं लेंगे। क्यों? तुमने पहली बार हमें बुलाकर बाजा सुना है ना, इसलिए। और फिर छोटी बहन से कहीं कुछ लिया जाता है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है मोहन, इसका रामू। मोहन, रामू। मेरा नाम है मंजुला, सब लोग मुझे मंजू कहते हैं। मगर हम लोग तुम्हें राजकुमारी कहेंगे। क्यों? रामू कहता है तुम परियों की उस राजकुमारी जैसी लगती हो, जो हंसती है तो फूल झड़ते हैं। तुम लोग फिर यहाँ आओगे ना? हाँ, जरूर आएंगे। देखो, छोटी बहन से वादा कर रहे हो, भूलना मत। नहीं नहीं, तुम लोग यहाँ आकर बाजा बजाना, मैं सुनते ही चोरी चोरी आ जाऊंगी। चोरी चोरी क्यों? मुझे सब लोग बिस्तर से उठने को मना करते हैं। डॉक्टर अंकल कहते हैं मैं बहुत बीमार हूँ। तुम जल्दी ही अच्छी हो जाओगी। हाँ, मेरे भैया आ रहे हैं। मंजू, तुम फिर नीचे उतर आई? चलो ऊपर जाके आराम करो। लक्ष्मी, रामू, बिहारी, इस तरह नहीं, धीरे चलो। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते अशोक। सिस्टर मीना, तुमने कहा था ना, इसलिए रात को मंजू की देखभाल के लिए इनको ले आया हूँ। मेरी जान पहचान में सबसे होशियार नर्स है। नमस्ते। नमस्ते। आइए। आओ सिस्टर। मंजू कैसी आई? मंजू अपना घूमना फिरना नहीं बंद कर। अच्छा? बार बार बिस्तर से उठ जाती। ना जाने कहाँ की वो भिखारी, उनसे मिलने के लिए अभी नीचे उतर आई थी। ये अच्छी बात नहीं, तुम उसको बिस्तर से बिल्कुल मत उठने दो। कहाँ है हमारी मंजू बिटिया? मंजू, क्या हो रहा है भाई? है? हमारी रानी बिटिया नाराज मालूम होती है। क्यों? ये भैया मुझे बिस्तर से उठने क्यों नहीं देते हैं? ओ, ये बात है भाई, तुम्हारे चलने फिरने से बीमारी बढ़ती है ना, इसलिए मना करते होंगे। देखें, है गुड गर्ल। मैं जानता हूं अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी नहीं लगता होगा। थैंक यू। इसलिए देखो, तुम्हारे लिए एक सहेली ले आया हूं, अभी तुम्हारे पास रहा करेंगी, तुमसे बातें किया करना। सिस्टर। यस डॉक्टर। अब तुम मेरी मंजू बिटिया का दिल बहलाया करना जी। और इसे कहानी भी सुनाया करना। खुश है? गुड गर्ल। सिस्टर। यस। अशोक, मैं तुम्हें पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ कि ये रोमांटिक हाथ का मामला है, कभी भी किसी वक्त कुछ हो सकता है, लिहाजा बड़े एहतियात की जरूरत है। मैं तो बराबर ख्याल रखता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन ये नौकर चाकर। अरे नौकर चाकरों से कहीं घर वालों जैसी देखभाल हो सकती? अशोक, मेरी मानो तब तुम शादी कर लो, मेरा मतलब है मंजू के लिए भाभी ले आओ। मैं अनजाने में कोई कदम नहीं उठाना चाहता डॉक्टर साहब। सोचता हूँ अगर किसी ने इस घर में आकर मंजू को उतना ही प्यार नहीं किया जितना कि मैं करता हूँ तो क्या होगा। That's true. फिर भी <थिर्वी। laughs>
रुक क्यों गया रे? बजा, यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं। लोग आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर चल देते हैं। फिर भी तो बजाए जा रहा हूँ, कब तक बजाऊं? कहा ना, यहाँ कोई नहीं सुनता। मगर तू सुना, अपने सुरों से उनको पुकार, अपना दर्द उनके दिल में भर दे रहा हूँ, तू बजा।